हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान की इंसानियत उस वक्त ख़त्म होती है, इंसान की इंसानियत उस वक्त ख़त्म होती है जब उसे दूसरे के दुखों पर हंसी आती है। मतलब ये कि इंसान अपने दुखों को तो बर्दाश्त कर ही लेता है, मगर कभी किसी इंसान के दुखों पर जो हंसता है वो नकारा और बिल्कुल ही जो है वो उसमें इंसानियत है ही नहीं, ह्यूमैनिटी उसमें है ही नहीं। सो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, विद अ गुड मैसेज विद हैव अ नाइस डे। सो हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स जो हमारे बैरून मुल्क से हमें वॉच करते हैं, देखते हैं हमारी वीडियो को, बहुत शुक्रिया। सो अगेन कहूँगी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, प्लीज़ डोंट फॉरगेट दिस एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन बटन। एंड आप जो है वो हम आपके लिए एक नहायत मज़ेदार सी ग्रिंडी बना रहे हैं, एक बहुत ही मज़ेदार डिश हो, पसंद तो व्यूवर्स सब लोगों को होती है, बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हमारे पास जो है वो मेरे पास स्पाइनिच भी है और इसमें मेरे पास मिक्स जो है ये हमारे पास मूलियाँ हैं, ये हमारे पास जो है वो मूलियाँ हैं। अब ये जो हम रेडिश है इसे भी हमने इस्तेमाल करना है इसके अंदर, और साथ ही हमारे पास ग्रीन चिल्ली आ गई, हमारे पास अनियन आ गया, सॉल्ट और रेड चिल्ली, इन चीज़ों को इस्तेमाल करके हम बनाएंगे एक मज़ेदार सा आपके लिए मूली पालक। सो हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो आगे बनाते हैं मज़ेदार सा खाना, रहे हैं आपको कि हमने जो है वो इसके अंदर डाल के रख। जी तो व्यूवर्स, हमने जो है वो हांडी के अंदर अपनी मूलियाँ और पालक इसमें पूरी की अपने सारी जो है वो डाल लेनी है एक साथ ही। तो अब जो है वो इस पॉइंट पर आपने इसमें पानी शामिल कर देना है, सारी डाल के फिर पानी शामिल करना है, थोड़ा सा पानी शामिल करें और ये बहुत जल्दी उबल जाती है, 5 मिनट के बाद ये आप इन्हें निकाल दीजिए। व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि हमारी मूलियाँ जो है, मूलियाँ और पालक वो उबल चुके हैं बिल्कुल और नरम हो चुके हैं। अब हम ऐसा करेंगे कि इनमें से पानी जो है वो निकाल देंगे छिलनी में से डाल के, और इनको अच्छे से यूँ दबा दबा के जो है, जैसे हम पिनिया नहीं बनाते इस तरह से दबा दबा के हम इन्हें इनका पानी निकाल देंगे और लड्डू से बना लेंगे, फिर बाद में से पकाएंगे। तो व्यूवर्स हमारे साथ चाहिए और निकाल लिया था और इनको दबा दबा के इनका पानी हमने छोड़ दिया था। ये क्या करें, इस तरह से आपने मूलियाँ पकड़ी, ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से पकड़ी और यूं करके आपने दबा दबा के ना इनका पानी अच्छे तरीके से निकाल देना है, और जितने अच्छे तरीके से आप निकालेंगे उतना ही ये जायकेदार। जी तो व्यूवर्स, मूलियों का सारा पानी निकल जाने के बाद अब हम बना लेंगे एक मज़ेदार सी मूलियों की डिश। हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगेन एंड अगेन आई से यू, सो स्टे विद अस। व्यूवर्स हम घी शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। असल में हम इसकी ग्रेवी तैयार करने लगे हैं, और जब घी गर्म हो गया अब तो हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे, और जब अनियन सोते हो जाएगा अच्छे तरीके से तो हम इसमें फिर मसाला ऐड करेंगे। जी तो व्यूवर्स, अनियन हमारा सोते हो चुका है और अब हम इसमें ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। ग्रीन चिली को भी आपने अच्छे से जो है वो भून लेना है। आपने भी इसके अंदर मिर्च जो है वो तेज़ डालनी है, तेज़ डालेंगे तो ये जायकेदार ज़्यादा बनेगी, फीकी रखेंगे तो फिर ये जायका कम आएगा। जी तो व्यूवर्स, हम अब इसकी अच्छे से ग्रेवी तैयार कर लेंगे। जी तो व्यूवर्स, हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल तैयार है। नाउ वी एडिंग आवर रेडिश एंड स्पाइनेज, तो हम इसे सब डाल लेंगे, बिकॉज यू नो कि इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई है, अगर आप ड्राई करके इसे अच्छे से फिर इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा जायकेदार बनेगी। जी तो व्यूवर्स, अच्छे से मिक्स कर लें, फिर हम इन्हें दम पे लगा देंगे। जस्ट 5 मिनट्स के लिए आपने दम पे लगा देना है, और फिर आपकी हांडी जो है वो बिल्कुल सही है कि जो हमारी मूली और मूलियाँ और पालक है वो तैयार हो चुकी है सब्जी, और जो मूलियों ने घी है वो छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि हमारी जो हमने ग्रीन रेड डिश स्पाइनिच हो चुकी है तैयार, और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आपको हमने तरीका भी बताया कि किस तरह से आपने बनानी है। व्यूवर्स, अगर आपको ये लगे कि ये घी नहीं छोड़ रही और ऐसे सूखी सूखी है, आपने घी भी काफ़ी डाला है वो छोड़ नहीं रही, तो फिर आप ऐसा करें हल्का सा पानी का छींटा दे के इसे दोबारा दम पे सिर्फ 10 सेकंड के लिए लगा दें और ये घी छोड़ देंगी और ये, बिकॉज व्यूवर्स अगर घी ना छोड़े तो ये मूलियाँ मज़ेदार नहीं बनती, इसका यही मतलब है। जी तो व्यूवर्स, यू कैन सी कि माशाल्लाह से हमारा जो प्यारी सी मज़ेदार सी जूसी मूलियाँ हो चुकी हैं तैयार। जी तो व्यूवर्स, बताया जाता है कि इस तरह की बनाना जो है वो कुछ लोगों को नहीं बनानी आती, मगर अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे, सारी वीडियो को अटेंशन के साथ देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी भी ऐसी मज़ेदार जूसी बनेगी। देखिए व्यूवर्स, प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसमें खासतौर पर, इस डिश में खासतौर पर इसे स्टेप बाय स्टेप देखें तो ही आपकी जो ये डिश है अच्छी बनेगी, वरना तो ये अच्छी नहीं बनेगी। जी तो व्यूवर्स, आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो आई होगी पसंद, और हमारी ग्रीन रेडिश जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। सो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नई आने वाली वीडियो तक हमारा कीजिए इंतज़ार। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो है वो लाइव आने की कोशिश भी करेंगे, सो इसलिए कि आप लोगों के हम लाइव जो है वो क्वेश्चन ले सकें और आपको टिप्स दे सकें। सो हमारा अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, हमें रखिए दुआ में याद, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।